कल का जो ट्रेड था उसके बाद आज भी काफी फालतू ट्रेड मिला है। कल का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कब मैंने क्लोज किया था, तो मैंने वहाँ पे वो शॉप में जो वीडियो निकाला वहाँ पे चार्जिंग कम थी फोन में, उसकी वजह से वी वेंट देयर फॉर चार्जिंग। अभी आज का जो पीपीआई का न्यूज था, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का न्यूज था, वहाँ पे मैंने ट्रेड किया है। न्यूज आने से पहले मैंने ट्रेड ले लिया था। ये देखो 25K का जो अकाउंट था वो आ चुका है। भैया दोस्त है वो 25K का जो अकाउंट था वो आ चुका है 29.5K, मतलब 4.5K प्रॉफिट इन 2 डेज। अभी यहाँ पे ना हिस्ट्री में जाता है येस्टरडे, यहाँ पे देखो कल का था 3.2 और आज का है 1.2। सो अगर ओवरऑल देखते हैं इस अकाउंट में अभी तक का ऑल हिस्ट्री, आज तक ये 25K के अकाउंट से मैंने किया है 6K प्रॉफिट, विच इज़ वेरी पॉसिबल। एवरी ट्रेड आई हैव गिवन ऑन माई यूट्यूब, हर किसी अकाउंट का फेज अगर मैंने क्लियर किया है तो वो मैंने उस स्ट्रैटेजी के या फिर वो जो जो कन्फ्लुएंसेस से मैंने ट्रेड ली थी वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है, मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे एक्सप्लेन किया है। हर कोई अकाउंट में पास करता था उसका ट्रेड शेयर किया है। जो अकाउंट मैंने 5K का एक और 2 10K के अकाउंट पास किए वो सारा जर्नी मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट। एंड ये जो ट्रेड्स मैं ले रहा हूँ मेरे लाइव अकाउंट में, अभी मैं ये विड्रॉ भी करूँगा पैसे, ये सारे के सारे ट्रेड्स भी मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो गो टू चेक इट आउट। एंड ये 2 दिनों का ब्लॉग एक ही इसमें आ जाएगा। इफ़ आई ट्रेड टूडे आई विल अपडेट यू गाइस। और इसके पीछे का अगर आप देखते हो एनालिसिस, जैसे कि मेरा हमेशा मैं कहता हूँ कि सेशन के स्पाइक्स होते हैं वो स्पाइक्स ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ पे मैंने 2 एंट्रीज की थी। ओके, यहाँ पे पहले तो स्टॉप लॉस हिट हुआ आज का, ये देखो ये जो पहले के स्टॉप लॉसेस है मैंने यहाँ पे एंट्री की थी एंड देन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद मैंने फिर से मेरे ट्रेड को चांस दिया एंड दिस इज वेयर वी आर सिटिंग एट 4.5K इन प्रॉफिट। एंड ये देखो यहाँ तक मैंने बुक किया और यहाँ पर भी मेरा एक एंट्री था, यहाँ पर एक एंट्री था, ये जोन ब्रेक हो गया। उसके बाद मैंने 1 मिनट पे यहाँ पर भी एक एंट्री किया था, यहाँ पर भी किया था, लेकिन मैंने बुक कर दिए ये सारे। एंड आज का जो है वो 1.2K प्रॉफिट, 1.3 के ऑलमोस्ट क्लियर आपको स्क्रीन। ये 5K का अकाउंट था और ये 10K का था, ये सारे कंबाइन करके 10K के अकाउंट में कंप्लीट 25K का अकाउंट है। एंड देखो दिस इज 18%, 18 to 19% अप। एंड आई वाज ट्रैवलिंग होल वीक, पुणे गया, वहां से मुंबई गया, देन आई मीन नासिक, पूरा ट्रैवल, ये सारी चीजें मैनेज करके आई एम ट्रेडिंग एंड मेकिंग मनी। सो ये जो सारी वीडियोस की है, फिर से देखो, जितना बार देख सकते हो उतना बार देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट इन विच आई ट्रेड। एंड आपको कोई कोर्स वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट फोकस ऑन दिस वीडियोस और इन वीडियोस से अच्छे अच्छे नोट्स निकाल के रिपीट देम सेल्स एंड आपका जो मिस्टेक्स है उनसे सीखो। हाँ भाई, हर कोई ट्रेड का मैं ब्रेकडाउन देता हूँ लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं अभी बाहर हूँ तो 1 मिनट पे ट्रेड कर रहा हूँ, हर किसी ट्रेड का ब्रेकडाउन नहीं दे सकता। हालांकि ये सारे के सारे के जो ट्रेड्स है 25,000 डॉलर्स के अकाउंट पे, वो सारे ट्रेड्स मैं पोस्ट करूंगा। ये जो पूरा अकाउंट ग्रो किया उसमें जितने भी ट्रेड्स लिए हैं, मेन मेन जो ट्रेड्स है या फिर मेन लूजिंग ट्रेड्स है और मेन विनिंग ट्रेड्स है, उनकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से मैंने 20% यहाँ पे गेन किया। तो उसके बाद मैंने ट्रेड किया था। एंड अगर हम देखते हैं गोल्ड जो है आज के सिचुएशन में, मैं यहाँ पे बाय के लिए देख रहा हूँ बट लुकिंग फॉर रिट्रेसमेंट, ये का इतना हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं लग रहा है। ये यहाँ पे जो चालू हुआ है ये ओवरलैपिंग सेशन में, ओवरलैपिंग सेशन में ना मैं काफ़ी क्लीन स्पाइक एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर ओवरलैपिंग सेशन में नीचे की तरफ क्लीन स्पाइक आता तो आई वुड हैव डेफिनेटली एंटर्ड इन द बाय। अभी देखते हैं क्या होता है, फ्राइडे नाइट है, आई मीन मुंबई, सो
एक देख लो ट्रेडर की लाइफस्टाइल क्या होती है. लेट्स आई विल शो यू द व्यू फ्रॉम माय होटल. वी आर स्टेइंग एट सहारा मुंबई. और राइट कैन सी इज ओनली बहुत और ये सारी मार्केटिंग जो मेरे मतलब पहले के बारे में मैंने कभी मेरे पर्सनल लाइफ की चीजें दिखाई नहीं है जो होटल्स में मैं यूजुअली घूमता हूँ. दिस इज नॉट एनीथिंग न्यू फॉर मी, लेकिन ये ट्राई कर रहा हूँ इस तरीके का कंटेंट. अगर आप लोगों को पसंद आता है, मोस्टली मैं क्या करता हूँ व्लॉग में मेरे ट्रेडिंग का ही डालता हूँ, तो आप लोगों को ये जो बैक स्टेज पे जो चलता है, जो लाइफ में चलता है, जहाँ पे मैं घूमता हूँ, वो सारी चीजें अगर पसंद है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स. लुक एट दिस व्यू. सो दिस इज द स्टे फॉर टुडे एंड और क्लबिंग का प्लान कर रहे हैं. अभी देखते हैं क्या मुंबई में सीन है. पुणे में सारे के सारे क्लब्स जो है बंद कर दिए है. दैट्स व्हाई आई एम ट्रैवलिंग मोस्टली वीकेंड्स इन मुंबई. सो लेट्स सी क्या आज मचा सकते हैं, मचाएंगे बिल्कुल. एंड लेट्स गो. अगर ट्रेड मिलता है अच्छा वैसा क्लीन मूव मिलता है नीचे की तरफ मेरे तय किए हुए टाइम पे, मतलब बिफोर 12 या फिर बिफोर या प्रोबेबली बिफोर 12, अभी है 11:15 बजे. तो लेट्स सी, अगर ट्रेड लेता हूँ तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो गाइस. एंड अगर आपको वीकेंड के भी ब्लॉग चाहिए, कल भी मैं एक अच्छा होटल में रहने वाला हूँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. सो इफ आई डोंट अपलोड एनी वीडियोस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वन. इट इज साइनिंग ऑफ.